राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, बात कह सकते हैं। ये जो इसकी कमिटी की मीटिंग है, अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, किसी ने कुछ कहा होगा, इसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं। नाउ आई विल वर्क फॉर इफेक्टिवली 82 और 92। आप सबने ठाकुर साहब ने जी से बताया होगा कि आज के मीटिंग में क्या हो गया। मुझे खुशी है कि वानराज जिन लोगों को एक्सपेल किया वो छोड़कर बाकी सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस में मीटिंग के लिए आए थे, उनका हौसला अच्छा है। उनका हौसला अच्छा था और पार्टी को ठेस फंसाने का काम कुछ साथियों ने किया, इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी। और इसलिए मुझे खुशी है कि एक आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो गई। इससे मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जो कोई डिसीजन हम लोगों ने लिए, ये आप लोगों को शायद बताए होंगे, आपको कुछ सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इफ यू वांट एनी क्वेश्चन। एक मिनट। प्रशांत अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 30 तारीख को। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। आपको मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सत्य नहीं है। सर ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा गया कि आज आपने जो मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, इसके पास कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है क्योंकि अजीत पवार नए प्रेसिडेंट और इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी सब डिस्प्यूट में है। अधिकारिक नहीं है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, किसी ने कुछ कहा होगा, इसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं। सुनील उद्धव ठाकरे एज वेल एज यू हैव बीन डिमिनिश्ड बाय द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ थिंग्स। डिमिनिश्ड मींस दे हैव ब्रोकन योर पार्टी। Suppose some people left your party, goes to some other side, it's not happened in political party, but doesn't say it's diminish of this or that. As I said, we will win that party. The question doesn't arise to stop things. Now I will work more effectively. We were 82 or 92. नीरज जाओ, अरे हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। आपने एक्सपेल करके उनको डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया, ऐसे नहीं आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।